नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर। ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। अभी जो महरौनी कस्बे में एक मामला पुलिस और शक के दौरान महिला के साथ मारपीट करने का आया था और यह काफी तूल पकड़ते हुए पुलिस अधीक्षक के पास भी पहुंचा। वहीं पुलिस अधीक्षक ने तत्काल ही कोतवाली प्रभारी, कांस्टेबल और महिला दरोगा को निलंबित कर दिया था। वहीं हमने आपको बताया था कि महिला क्या क्या कहना है, उसके साथ क्या घटना घट चुकी है। वहीं वास्तविक रिपोर्ट जानने के लिए हम कांस्टेबल, जिसके यहां पर वह महिला काम करती थी, उनकी धर्म पत्नी से हमने जानकारी ली कि जब वह घर के बाहर गई थी और क्या कैसा मामला है, वह कब से उनके घर काम करती हैं और उनने चोरी के दौरान उस पर मारपीट की या नहीं की, या उससे सिर्फ जानकारी ली। हम यहां पर उनकी वास्तविक रिपोर्ट जानने के लिए आए हैं और बने रहिए हमारे साथ आप इस रिपोर्ट में। वास्तविक रिपोर्ट हम आपको बताते हैं क्योंकि सभी ने जानकारी सिर्फ एक पक्ष की दी है और हम आपको दोनों पक्ष के बयान लेकर बताते हैं कि दोनों पक्ष में क्या कैसा मामला है। वहीं जो महिला ने पुलिस अधीक्षक के पास बयान दिया था और मीडिया महरौनी के सामने कुछ बयान दिया था, दोनों बयानों को और साथ ही जो कांस्टेबल की धर्मपत्नी है जिनके साथ उनका चोरी का मामला हुआ है और उनका, वहीं कांस्टेबल की धर्मपत्नी का कहना है कि जब उनके घर में चोरी हुई थी तो उक्त मामले की उन्होंने थाने में तहरीर भी दी, परंतु उनका मामला दर्ज नहीं हुआ, न ही दूसरी महिला पर केस दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी महिला की पहले बात सुनी गई और एक ही पक्ष का बयान रखते हुए मामला साफ कर दिया गया। वहीं इनका क्या कहना है, कैसी क्या इनकी पीड़ा है, हम आपको बताते रहे, बने रहिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में। पति का क्या नाम है? अंशु पटेल। क्या है मामला? हमारे यहाँ चोरी कर ले गई काम वाली जो आती थी। कौन थी काम वाली? पूजा नाम दे। क्या था पूरा मामला बताएं आप। हमारे यहाँ ये काम कर रही थी, 20 दिन हो गए थे लमसम में। हम लोग एक दिन सरकारी अस्पताल दोनों पर पत्नी दिखाने गए थे, यहाँ पर इनको छोड़ गए थे अकेले और इन्होंने जब हम लोग वापस आए वहाँ से दिखा के तो थोड़ी देर ये रुकी थी यहाँ से, फिर वापस चली गई अपने घर। उसी दिन 2 तारीख को हमें यहाँ प्रोग्राम में जाना था। उस दिन हमने सामान देखा शाम को तो हमें कुछ दिख नहीं रहा था सामान। इनको हमने बुलाया, ये खुद ही स्वयं आई थी और हमने इनसे कहा कि हमारा सामान नहीं दिख रहा है, सब कमरे में सामान बिखरा पड़ा था, हमने देखा था, हमें कहीं सामान नहीं कुछ दिख रहा था और इन्होंने भी स्वयं देखा। हमने कहा कि आप देख लो, अगर सामान कहीं मिल जाए आपको तो हमारी गलती निकाल देना, अगर यही कहीं हो और हम आपका गलत नाम लगा रहे हो। लेकिन इन्होंने कुछ यही कहती रही हमेशा कि सामान हम नहीं ले गए, सामान नहीं ले गए। फिर जब इनके पति को बुलाया तो ये अपने पति उसे कहने लगी सूटकेस में रखा है सामान, और फिर बाद में कहने लगी जब ये कहते थे कि घर चलो दे चल के सूटकेस से निकालो चल के, तो ये कहने लगी कि सूटकेस में नहीं है सामान। फिर हम लोगों ने वहाँ से कोतवाली में सब लोगों को बताया और वहाँ से फिर उनने पारुल मैडम को भेजा था यहाँ पर महिला को कि हम लोगों को हाथ लगाना या कुछ भी कहना उनसे गलत होगा। उनको बुलाया तो उनको इनको यहाँ से लेके गई इनके पति के साथ में। हमारी न कोई कार्रवाई सुनी गई, हमने प्रार्थना पत्र दिया था, हमारे प्रार्थना पत्र की कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्होंने जो झूठा मुकदमा हमारे ऊपर लगा दिया उसकी कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, क्या क्या सामान था आपका? हमारा मंगलसूत्र था, चैन थी और अंगूठी थी, बिटिया की पैर की पायल थी। अच्छा, महिला आरोप लगा रही है कि आपने और महिला दरोगा ने मिलकर कमरे में भी मारा है और कोतवाली में भी मारा है। नहीं, हम कोतवाली गए भी नहीं थे और ना हमारे ये पूरे पड़ोसी सब लोग ये सब लोग देख रहे थे। वो महिला झूठ भी बोल रही थी कि सूट केस में रखा है और फिर ये कहने लगी कि नहीं रखा है, हम पैसे दिलवा देंगे, ऐसे बोलती रही। अपने पति से भी यही कहे कि घर चलो घर बताएंगे जल्दी, घर देखो जल्दी। क्या नाम है आपका? राम प्यार। कहाँ की निवासी? यही महरौनी। क्या है मामला इसका? जो मेरा गार्डन में गई पूरी बेल में। कौन? पूजा। सुबह सुबह काजू भल्ला है और अरे माँ जो पिस्ता, दोनों अच्छी अच्छी चीज है, तो मिठिया ने घाय धनी ने देख लो, तो घाय धनी ने कही मिठिया पे चढ़ाई, कल नहीं फलाने ने नहीं ढकाने ने नहीं फलेगा ना धरी हथी नहीं ने, फिर मिठिया छोटी मिठिया की 20,000 लगी। अम्मा, यहाँ का क्या मामला है?
यहाँ को जो मामला है कि भी आउती खाना बनावे तो खाना बनावे भाई तो भीतर रे के बाहर नहीं रे ए, हम तो वहाँ तो दूर एज में ठाणे हूँ हम तो भीतर जे नहीं हम जैसे अब हम खाना बनावे जाते तो हमें चौका चूल्हा पूरा छोड़ दी हमारी जिम्मेदारी हम सब धर ले आवे ओके सब छोड़ी आवे तो ये सोनी बहुत चालू हो रहा थे और धन्यवाद। हमारे सर चोरी का अंजाम लगाया है कि तुमने हमारी चीज़ें उठाई है, हमने मैम से बोला हमने नहीं उठाया, इतनी दिन सब की चीज़ उठी है तो उनने उस दिन तो बताया नहीं है, जिस दिन हम खाना बनाने गए उस दिन उनने कुंडी लगा ली है मेरे, तो बोली अपने पति देव को बुलाओ तो अपने पति देव को बुलाया तो फिर अंदर फिर से कुंडी लगा ली। कुंडी किसने लगाई, किसने मारपीट करी? उनकी घर वाली ने कुंडी लगाई है। मारपीट किसने करी है? उनकी घर वाले ने और कोर्ट वाले में जो ड्यूटी करती थी सो उसने भी मारा है। फोन करके बुला लिया, फोन करके बुला लिया, जिस दिन हम बागेश्वर धाम जा रहे थे उस दिन उनने बुला लिया था, सो उन्हें जाने नहीं दिया था। कितने दिन बंधक बना रहे घर में? घर पे वो 2 तारीख की बात है। अच्छा पुलिस के पास गई थी तो पुलिस ने क्या कहा? वहाँ पुलिस के पास नहीं वो लोग आ गए तो उनकी घर से ड्यूटी करते हैं मैसेज वो लोग रात में मिलन तक नहीं लगाओगे। मोबाइल भी मेरा पति को भी चढ़ा लिया था और मेरा भी। कौन है जिसने मार दी? अंशु पटेल। कौन है? अंशु पटेल कांस्टेबल है। तो यहाँ खाना बनाने के लिए ये गई तो इनकी घटना 17 तारीख की चोरी की जो भी हो वारदात जिसने भी की हो और 28 तारीख को जो अस्पताल गए दिखाने के लिए अपनी मिसेज को, इनको एक लड़की को छोड़ के गए और इसके बाद ये लौट के आए। 2 दिन बाद इन्हें उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया उसको घर अभी 2 तारीख 2 तारीख को और 2 तारीख के वो ये घर लुवा के गए और घर में उसको छेंक के पति पत्नी ने दोनों ने उसको मारा। फिर ये थाना लुवा के आए फिर थाने में मारा फिर थाने से लुवा के फिर घर लुवा ले गए फिर घर में दोनों पति पत्नी ने मारा फिर थाने में फिर लुवा के गए जी। वहाँ पर रात भर मारा इन लोगों ने और दिन के 12 बजे तक मारा और रात के कपड़ा घोंस के मुंह में और गले में वो लगा के तौलिया बांध के और 2 आदमियों ने हाथ पकड़े और छाती पे चढ़ चढ़ के और हाथ पकड़ के शिकायत की। आप लोगों ने पुलिस आप लोगों ने पुलिस में कोतवाली में शिकायत की? हम लोगों ने शाम की की। हाँ, क्या बोले थाने इंचार्ज? थाने में साहब ने कहा हम मतलब कार्रवाई करेंगे ये कहा उन लोगों ने। कोई कार्रवाई की? कार्रवाई कुछ नहीं हुई। हम ये कौन है जो आरोपी है? ये कौन है आरोपी जो है? आरोपी मारपीट की अंशु पटेल हैं जी। क्या करते हैं ये? ये कांस्टेबल हैं वहाँ पर मेहरोनी में। मेहरोनी में एक प्रकरण प्रकाश में आया है जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा करके थाने के ही एक सिपाही और थाने की ही एक महिला दरोगा द्वारा मारपीट की गई है। ये प्रकरण पुनः इसकी गंभीरता को संज्ञान में लिया गया, इसमें तत्काल FIR दर्ज की गई है, पीड़ित महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। इसके अलावा दोनों पुलिस के जो एक इसमें एक सिपाही है उनका नाम लिया गया है, एक महिला सब इंस्पेक्टर है उनका नाम लिया गया है, दोनों को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की विवेचना CEO मेहरोनी के द्वारा संपादित की जा रही है। इसके अलावा इसमें पूरे घटनाक्रम की जांच करवाई गई, इसमें थाना प्रभारी के पर्यवेक्षण में शिथिलता पाई गई है जिसके कारण उनको भी निलंबित कर दिया गया। सर क्या कारण रहा मारपीट का, क्यों मारा? इसमें जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें ये है कि ये जो इसमें सिपाही था उसके घर से कुछ सामान चोरी होने का उसने आरोप लगाया, उसको शक हुआ कि जो उसके घर में काम करने के लिए महिला आती है उसने इसको चोरी किया है और इसी क्रम में जो है उसके साथ मारपीट की गई। सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया, सर इनकी लाने हाजिर किया गया सिपाही को। इसके अलावा महिला दरोगा जो थी इसमें उनको और थाना प्रभारी को, 3 लोगों को इसमें भी सस्पेंशन किया गया। 4 दिन मेरो